सुनाओ सबको, तुम क्या कर रहे हो? मैं ऐसे कर रहा दस दिन हम मोबाइल शेयर कर रहे थे और आज 10 दिन के इंतजार के बाद चीयू को मोबाइल मिलने वाला है, तो वो पगला गया, को समझ नहीं रहा मैं कैसे रिएक्ट करूं। माय गॉड, वाओ, फाइनली मेरा मोबाइल आ गया। मतलब मैं बिना मोबाइल के 10 दिन से था, 10 दिन पहले था कि चलो 6 दिन में आ जाएगा, बट मोबाइल अवेलेबिलिटी नहीं रहने की वजह से और 3-4 दिन एक्स्ट्रा हो गए। तो फाइनली बस डिलीवरी वाला आ गया है मेरा मोबाइल लेके। आई एम सो मच हैप्पी कि यार मतलब बिना मोबाइल के मैं 10 दिन रहा हूँ, तो हम एक ही मोबाइल यूज़ कर रहे थे 10 दिन से, तो फाइनली मेरा मोबाइल आ गया। बस अभी ऊपर आन दो, उसको वेट कर रहा हूँ, फिर उसके मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा मोबाइल लिया है। दस दिन हम मोबाइल शेयर कर रहे थे और आज 10 दिन के इंतजार के बाद चीयू को मोबाइल मिलने वाला है, तो वो पगला गया, को समझ नहीं रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ। खुश भी बहुत ज्यादा है और एक्साइटेड, तो मतलब मैं कब से वेट कर रहा हूँ। मैं इससे पहले था कि 6 दिन में आ जाएगा, 10 दिन हो गए, 10 दिन बिना मोबाइल के हूँ। ये तुम्हारा मोबाइल, अभी यहाँ पे कोड बोलूंगा और ले लूंगा मोबाइल। मोबाइल के मतलब आज की दुनिया के लिए जिंदगी जीना के लिए बिल्कुल। और हम तो ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर रह के भी हमारे पास मोबाइल नहीं। बताओ, एज अ ब्लॉगर भी तुमने सबर किया तो तुम्हें उसका फल अच्छा मिला ना। भागा बॉय। मैं अभी 2 दिन से भागा बॉय बनी पड़ी हूँ। क्यों बनी पड़ी हूँ? मैं बनी पड़ी हूँ क्योंकि इसके ना पैरा दुख रहे और ये हाथ है ना ऐसे लेके घूम रही घर में। अच्छा तुम बोलोगे कि पैर दुख रहे तो हाथ ऐसे क्यों लेके घूम रहे? क्यों घूम रहे? क्यों? क्योंकि उसको चलने नहीं, और सामान जो भी उठा रही है ना वो ऐसे यूं, ऐसे यूं गोद में यूं उठाती और पैरों को संभालते संभालते नहीं चलती। पैरा उसके इसलिए दुख रहे बिकॉज मैं 11th फ्लोर से उसको 0th फ्लोर में सिर्फ स्टेयर से लेके गया, तो ये हालत है। लड़की नाजुक है, कुछ काम की नहीं है, तो दिखाने के लिए शो ऑफ है। कट कर दूंगी, सब काट दूंगी ये सब। तो चीयू का मोबाइल आ गया फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी देने के लिए। 4488, थैंक यू। खुशी देख रहे हो? पगले। बैठ जा बैठ जा, सिट, रिलैक्स रिलैक्स। मैं क्या बोलती थी, हम मोबाइल एक्सचेंज कर ले क्या? नो। ये अपना मोबाइल आ गया है। मेरे संग ऐसे नहीं कर सकते ना हम। मैं नहीं शेयर करूंगा। वेट क्या, इसको 10 दिन से वेट कर रहा। मैं तुम्हें अपना मोबाइल दे सकती थी 10 दिन के लिए शेयर करने के लिए, तुम अपना, तुमने मेरा मोबाइल सरका दिया ऐसे। नो, मैंने सरका है नहीं, मैंने यूं ही कर दिया साइड में। कैसे मतलब है लोग दुनिया। चलो जल्दी से अब मैं अनबॉक्सिंग करते हैं। टैन 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 टैन। ओ माय गॉड, वाओ, खुशी देख रहे हो लड़के की, फूले ना समा रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे तो। अब पहले पहले मैं ये खोलूंगा। पहले मैं ये खोलूंगा, नहीं ठीक है, पहले फिर मैं ये खोलूंगा। ओह माय गॉड, ओह वाओ, ओह वाओ वाओ वाओ। एक सेकंड पहले मैं इसको खोलता हूँ। जबरदस्त पीस। ये है हमारा मोबाइल ओप्पो रेनो 6। ये प्रो वर्जन नहीं है, सिर्फ ओप्पो रेनो 6। इतना स्लीक है ना ये मोबाइल, काफी अच्छा फील हो रहा है। बताए कि इसके हैंड करते से आईफोन वाली फीलिंग आ रही है। आईफोन वाली फीलिंग है, कितना प्यारा लग रहा है मतलब। और वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, एकदम हैंडी है। ये है ज्ञान जो कि अपने को बाद में पढ़ेंगे। सिम ट्रे इजेक्टर। ये है कवर, कवर नॉर्मल कवर दिया है। और इसमें क्या है, मत लगाना इसको फालतू स्टिकर्स। ये है हमारे हेडफोन्स और ये है हमारा केबल। तो ये सब पहले साइड में रखते हैं, पहले हम मोबाइल करेंगे ऑन। बट इसको बहुत संभालना पड़ेगा बिकॉज बिना कवर के यूज नहीं कर सकते। बिना कवर के यूज करना, गिरा तो टीचर लगेगा सीधा। वो आईफोन कैसा है ना, पूरा मेटल दिया है उसने। दरवाजा खुल के देख तुम्हारी जिंदगी का वापस।
अभी मोबाइल सेटअप कर लेते हैं हम लोग, मैं पूरा सेटअप होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो फाइनली मेरा मोबाइल हो गया है सेटअप। अब इसके अंदर की और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे ऐड करनी है, अभी मैंने ऐड नहीं किया है, बस अभी इसको ऑन किया है। अब इसको पूरा सेटअप अच्छे से बाद में करूँगा, इस पर टाइम अभी नहीं दूंगा, आराम से रात में इस पर टाइम स्पेंड करूँगा। जो मुझे फ्लिपकार्ट से मिला, ये 30,000 रुपीज़ कॉस्टिंग थी इसकी, बट ऑफर में मुझे 18,000 में मिला। तो ये जो मोबाइल था इसका कॉस्ट था 30,000 रुपीज़, बस मुझे ऑफर में 4,000 में मिला। कैसे 4,000 में मिला? फ्लिपकार्ट का एक नया प्लान चालू है, जो कि इस मोबाइल का एक 9,000 रुपीज़ वाला अमाउंट है, वो आपको एक साल के बाद पे करना है। उसके अलावा जो आपके कार्ड पे 10% और डिस्काउंट मिलता है वो आपको मिलेगा। तो उसके अलावा जो, तो वो डिवाइड ही किया उन्होंने, तो वो जो अमाउंट है जो बचा हुआ 9,000, वो आपको एक साल के बाद पे करना है। तो अब एक साल के बाद मोबाइल रिटर्न कर सकते हो, दूसरा एक्सचेंज करवा सकते हो, या तो फिर आप कैश भर के मोबाइल को यूज़ कर सकते हो। तो इस सिनारियो में तो फिर जो अमाउंट मेरा रिमेनिंग था वो 4,000 रुपीज़ था, जो मुझे बैंक को भरना है, बस बाकी एक साल बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट भर। यही है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर यही अच्छा ऑप्शन था, इसलिए मैंने इसको फटक से ऑर्डर किया, और काफ़ी अच्छा है ये। अब देखो इसका जो शाइन है ना, ये काफ़ी अच्छी, बहुत लाइट वेट, बहुत लाइट वेट मोबाइल। तो मेरे पास ओप्पो रेनो 2F था, वो भी हैवी था इसके कंपैरिजन में, बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। तो बाकी इसका रिव्यू इन डिटेल मैं आपको बाद में दे दूँ। आज है मंडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। आज थोड़ा लेट हुआ है ब्लॉग स्टार्ट करने में, तो आज की प्लानिंग मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बिकॉज अभी हम रेडी भी हो चुके हैं, अभी हम निकल रहे हैं। अब मैंने सोचा है कि मैं लूंगा एप्पल आईफोन प्रो मैक्स, बट ये 100% श्योर नहीं है, कॉस्ट भी उसका ज्यादा है, 1.5 लाख के आसपास का मोबाइल है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो देख तो लेते हैं, एटलीस्ट उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है। मेरे पास अभी जो है वो है ओप्पो रेनो 6, बट ऐसा डिसाइड हो रहा है कि ये मोबाइल मेरी नक्कू यूज करेगी और मैं दूसरा नया लूं। आप देख रहे हो पीछे ब्लर बोके इफेक्ट ये इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं ये मोबाइल इस पे शूट कर रहा हूँ। एनीवेज चलो अभी जल्दी जल्दी निकलते, पहले जाते हैं मोबाइल देखते हैं। टाइम पास करते हो तुम घर के अंदर? लास्ट मोमेंट है, इसको कैमरा भी नहीं लगाया मैंने यार, तो मैंने बोला कि नक्कू तुम शूट कर लो बिकॉज जल्दी जाना है, लेट हो रहा है, 1 घंटा और बाकी है, सब बंद हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी से जाके आते। तो यहाँ पे मैंने कैमरा भी नहीं लगाया। मैं इसकी स्टेबिलिटी चेक करती हूँ। जबरदस्त, इसकी स्टेबिलिटी बहुत सही है, ठीक से लग नहीं रहा है कि हम बाइक पे शूट। वहाँ पे आईफोन्स, अभी हम एक होटल पे आए हैं, बाहर आए तो कहीं ना कुछ खा ही सकते हैं, और हमने उसके अंदर ओप्पो का भी मोबाइल देखने के लिए गए थे, तो वो भी हमने देखा। तो ओप्पो रेनो 6 प्रो जो है वो हमें पसंद आया, लेकिन उसका एक्चुअल मोबाइल देखने नहीं मिला, डमी देखा हमने। तो अभी हम विमान नगर आए हैं, तो अभी यहाँ से हम ये सोच रहे हैं कि विमान नगर में कोई अगर मोबाइल की शॉपिंग होगी जहाँ पे हमें एक्चुअल देखने मिलेगा तो वो देखेंगे। तो पहले हम खाते हैं, उसके बाद में जाते हैं। तो नक्टर ने मंगाया है समोसा चाट और मैंने मंगाया पाव भाजी। क्या कर रही हो? ओलंपिक्स देख वो ओलंपिक्स देख रही है, मतलब मैच जहाँ पे हो और वहाँ पे नक्टू ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। 4-5 दिन से देखो भगा के रखे ओलंपिक्स ओलंपिक्स ओलंपिक्स, यहाँ पे भी शांति नहीं है खाने के लिए, उस पे भी ओलंपिक्स। मैंने उसके लिए प्रॉपर अलार्म सेट किया था 3:30 का, कि बाहर कहीं भी जाएंगे अलार्म बजेगा तो मुझे याद आएगा कि 3:30 मैच चालू होने वाला, तो लगा लेता हूँ। बिल्कुल सही लगे, आगे बैठे हम खाने के लिए बैठे और अलार्म बजा। अभी मैच में बिजी है और मैं खाने का वेट कर, और जो मैच चालू है वो अर्जेंटीना के साथ में सेमीफाइनल हॉकी की। तो ये आ गया है नक्टू का समोसा चाट, मैच समोसा चाट और नक्टू, क्या बात है, डेडली कॉम्बिनेशन, मजे मजे है मजे। बहुत दिन के बाद खा रही हो ना तुम? तो ये मैं शूट कर रहा हूँ बोके मोड में, मेरे को इसको भी टेस्ट करना था कि इसका बोके वीडियो कैसा आता है। तो आप देखो मेरे पीछे पूरा ब्लर हो गया है, तो दिस इज बोके फ्लेयर इफेक्ट। मैं नक्टू को भी शूट करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है पीछे का। ये देख रहे हो पीछे का पूरा जो पोर्शन है वो ब्लर हो गया, मेरा हाथ भी देख रहे हो यहाँ से ये पोर्शन ब्लर हो गया है, तो तुम रहोगे, मेरा हाथ भी पूरा ब्लर हो गया। तो ये आ गया है मेरा भी पाव भाजी, अब हम पाव भाजी खाएंगे दोनों मिलके मस्त, और फिर उसके बाद में निकल के मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ। क्यों नक्टू
खाओ अच्छे से, अच्छे बच्चे की तरह खाओ। समोसे के लिए लड़ाई कर रही थी मेरे साथ अभी ये लड़की, चम्मच मेरे समोसे खींच खींच के ले। चलो खाते फिर मिलता हूँ। हमारा खाना हो गया। एक चीज की डिस्कशन चल रही थी मेरे और डॉक्टर की कि मुर्गा मांग कैसे देता है, कुकुड़ू को देता है या कुकुड़ को देता है? कैसे देता है, कैसे देता है? कुकुड़ू को ही देगा ना, कुकुड़ू को देगा। ठीक है, अगर मुर्गा मांग कुकुड़ को देता है या कुकुड़ को देता है, तो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे चिकन की शॉप है जिसका नाम है कुकुड़ू। तो मैंने बोला कि ये गलत नाम है, बिकॉज हमेशा मुर्गा जो मांग देता है वो देता है कुकुड़ू से। कान वाला बोल रहा है कुकड़कू देता है। एक्चुअली क्या देता है ना वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत पसीना हुआ है, बहुत गर्मी हो रही है, स्वेटिंग हुआ है। अब हम यहाँ से निकलेंगे और मोबाइल की शॉपिंग पे जाएंगे। हमारा खाना चलो चलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके थे विजय सेल्स, और मैंने ओप्पो रेनो 6 प्रो ये मोबाइल है जो मैं देख रहा हूँ, और इसका कैमरा भी टेस्ट कर रहा हूँ। तो मुझे ये एज अ लुक वाइज मोबाइल काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि कैमरा भी पूरा इसका टेस्ट कर लूँ। और मैंने साथ में वन प्लस 9 भी देखा, बट ओप्पो डेफिनेटली विंस दिस टाइम। तो हमारा हो गया है फाइनली डन। हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें कौन सा मोबाइल लेना है। जो भी लेना है उसकी डिटेल मैं आपको घर जाके बताऊंगा। बट इससे पहले हम एक और जगह विजिट करने वाले थे, वो है वैक्सीनेशन सेंटर, बिकॉज नियर बाय हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ महाराष्ट्र होगी। बट उसकी डिटेल मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट व्लॉग में दे दूंगा। यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है ना ये? हाँ, आज बंद है लेकिन। तो आ गए हम घर वापस। तो हमने दोनों भी मोबाइल देखा, तो उसमें हमें ओप्पो रेनो जो है वो काफ़ी पसंद आया, बिकॉज उसका बेजल्स भी कर्व है, तो काफ़ी अच्छा और यूनिक लुक था उसका। डिसाइड ये हुआ है कि जो मोबाइल मैंने मंगाया था वो मोबाइल मैं नकटू को दूंगा, उसको वो मोबाइल पसंद आया है वो यूज़ करेगी, और मैं मंगाऊंगा ओप्पो रेनो 6 प्रो। तो इस बार हम दोनों के मोबाइल एक साथ चेंज होने वाले हैं। चलो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अभी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज देखो मैं कैसे थक गया, स्वेटिंग हुई है। अभी नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा अच्छे से। तो नए व्लॉग में वापस से मैं आपको मिलूंगा कल। तब तक अपना ध्यान रखें, और अगर इस मोबाइल के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हो। अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, पहली बार देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब करो, पुराने हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। देखो नकटू फ्रेश होके वो चेंज होकर के आ भी गई। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरा जो चैनल है चॉप एंड कुक उसको भी सब्सक्राइब करो, और वहाँ से अच्छी अच्छी रेसिपी बना बना के खाओ। और मैं ना इसके चैनल का जो लिंक है वो मैं आई बटन में इधर या इधर पता नहीं कहीं पे तो ऊपर आएगा एक आई बटन, वहाँ पे क्लिक करके चेक कर लेना। मिलते हैं अब नए ब्लॉग में। तुम्हें मोबाइल पसंद आया था? रेनो प्रो। प्रो अच्छा था ना? ठीक है, वो डन।